हाइलाकांडी रेलवे स्टेशन के नजदीक एक भयंकर दुर्घटना घटित हुई है। इस दुर्घटना में रेलवे ट्रेन के धक्के से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। जानकारी और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार करीब शाम 6:30 बजे फखरुल आलम मंजूमदार नाम का एक 45 वर्षीय व्यक्ति रेलवे पटरी को फोन से बात करने के दौरान पार कर रहा था, तभी बदरपुर से तेज रफ्तार में आने वाली स्पेशल रेलवे ट्रेन जो कि हाइलाकांडी से होकर मिजोरम बॉर्डर भैरवी तक जा रही थी, इस स्पेशल रेलवे ट्रेन के धक्के से फखरुल आलम नामक उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही हाइलाकांडी सदर थाने से पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची। बदरपुर रेलवे पुलिस को भी सूचना दी गई। आपको बता दें कि रेलवे ट्रेन से कुचलकर इसकी दर्दनाक मौत हुई है। फखरुल आलम का घर हाइलाकांडी शहर के नजदीक विशिंगसा गांव के द्वितीय खंड में है, जानकारी दे दी गई। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि शव का पंचनामा कराया जा रहा है। বিদ্যুৎ আইব মানুষ মিডিল ক্লাসের মানে বিদ্যুৎ মানুষ আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আর তখন এই জাস্ট এই মানে এই মুহূর্ত থেকে তার পাক পাকিয়ে লেছি বাপরা পরে তখন বাড়ি মানে ট্রেনে বাড়ি মারি পালাইছে। আচ্ছা আচ্ছা। ফোন করাতে আসলো মানুষটা? হ্যাঁ তখন মানে এই ফোন আসিল আর কি। আচ্ছা মানুষটা হয়তো হে ভাবতে পারছে না যে ট্রেন আর কিনা না। হুম হুম। মানুষটার নাম কি? নাম আমি একজন আলম 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 মানুষটার নাম আলম আলম। আচ্ছা আচ্ছা। বয়স কেমন হইব? 45। বয়স তো 45 नमस्कार, मैं सिप्रियन डायस, ऑनलाइन भारत हिंदी नेशनल न्यूज चैनल के हाइलाकांडी जिले के जिला चीफ ब्यूरो। आप सभी जनों को ऑनलाइन भारत हिंदी नेशनल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं अभी आप लोगों के पास लेकर आया हूँ हाइलाकांडी जिले से एक बड़ी खबर। यह है आज करीब शाम 6 से 6:30 बज के अंदर में एक भयानक दुर्घटना घटी है। एक आदमी को ट्रेन ने काट दिया है, ट्रेन से उसका निधन हुआ है। ये घटना 6 से 6:30 बजे के अंदर में हुआ है। जानकारी के अनुसार उस आदमी का नाम फखरुल आलम मजुमदार है। वो पेशे में एक दर्जी था, टेलर का काम करता था। किसी कारणवश रेलवे स्टेशन के साइड में आया था और वहाँ पर रेलवे पटरी के ऊपर से वो फ़ोन करके गुजर रहा था, तभी बदरपुर से स्पेशल ट्रेन जो हाइलाकांडी होके बोरीबीक तक जाते हैं उसी ट्रेन से उसको कुचल दिया गया है, उसको काट दिया गया है। तो इस दुर्घटना के बाद वहाँ आम जनताओं का भीड़ लगी हुई है और हाइलाकांडी थाने से पुलिस आए हैं। तो ये रेलवे का केस होता है, इसलिए हाइलाकांडी थाने ने बदरपुर में जीआरपी थाने को रेलवे पुलिस को सूचित किया है। अभी रेलवे पुलिस आने के बाद ही उस मृत शरीर को उठा के पंचनामा करने के लिए हाइलाकांडी के एसकेराय सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया जाएगा। तो प्राप्त जानकारी इतना तक मिली है। आइए आप लोग ऑनलाइन भारत के वीडियो फुटेज में देख लीजिए। धन्यवाद।